यो तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस परसों, हाँ परसों मेरा फ्रेंड आया था, तो वो रुका हुआ था मेरे घर में। तो हम लोगों ने काफ़ी कल तक रुका था, परसों आया था रात में। तो भाई हम लोगों ने इतनी मस्ती की ना, पूछो नहीं भाई। 12 बजे तक जगे थे रात में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उसके साथ। लेकिन मैं पता नहीं उसको नंबर इसलिए एक बार बताऊँ। आज हम संडे, तो भाई संडे है तो भाई वहाँ पर जलेबी वलेबी मिलती हैं। तो कहाँ मिलती हैं, मतलब एक है वो अपने घर के पीछे एक स्वीट शॉप है, तो वहाँ पर मिलती है। और भाई वो ना मतलब सैटरडे संडे की देते हैं। और हमने जलेबी खाई है और अभी हम लोग मैं जा रहा हूँ ढोकले मैंने। तो पहले तो टेस्ट कर लेते हैं। मस्त चीज़ है मैं ढोकला, इसका इसका फेवरेट है। मैं कमेंट करके बताई ना गाइस, ये काफ़ी काफ़ी जूसी डोसा ढोकला था। हाँ गाइस, तो जाके चेक करिए, खाइए अपना डोसा ढोकला सॉरी। और गाइस अभी मैं नहाया नहीं हुआ हूँ और मेरे को शायद आज बाल कटाने पड़ेंगे यार, बहुत बड़े हो गए हैं। तो देखते हैं चटवाते हैं कि नहीं भाई, बहुत बड़े हो गए। और नहाते भी करके थोड़ी देर बाद नहाएंगे भाई, अभी थोड़ा नहीं नहा रहा, थोड़ी देर बाद नहाऊंगा। लाइक बाल कटवाने के बाद शायद नहाऊंगा। तो ये गाइस अभी हो गया था साइकिल से बाल कटवाने और मेरे बाल तो कटे नहीं। और गाइस देखते भीड़ बहुत थी आज, और कल अब जाएंगे बाल कटवाने। और गाइस बाल छोटी बन गए, अब कल जाएंगे गाइस बाल कटवाने। और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। ये देखिए इधर मम्मी नहलाई है मुझे यहाँ पर। और गाइस इसके बाद देखते हैं, खाना पीना खाते नहाने के बाद, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो गाइस चलते हैं अब जल्दी से नहाने। और गाइस मैंगो शेक बना अभी, और मैंगो शेक का आइडिया मैंने दिया था कि मैंगो शेक बनाओ, तो आज से ही मैंगो शेक बनाया अभी। तो ये रहा मैंगो शेक, काफ़ी टेस्टी लग रहा है, तो चल के देखते हैं पी के कैसा है। तो गाइस सही में भाई बहुत टेस्टी हो रहा है यार ये। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने अंकल के यहाँ। तो गाइस वहाँ पर एक छोटी सी पार्टी है। और गाइस अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे थे, तो ये देखिए गाइस यहाँ पर जाम लग गया अभी बहुत ज़्यादा। विजयनगर जहाँ में बहुत ज़्यादा जाम लगा, कानपुर में बहुत जाम लगता है। और गाइस पापा जी हम लोग कितने में पहुँच जाएंगे? नहीं, जाम खुल जाए तो 15 मिनट पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई ढंग की व्यवस्था नहीं है ना। हाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा है यहाँ, कोई ट्रैफिक का कोई सिस्टम भी नहीं है। कानपुर है भाई, कानपुर। कोई बात नहीं, जाम खुल गया गाइस, ये देखिए अब चलते हैं, ग्रीन लाइट चल रही है। टिक टिक टेरो माय हेड, टिक टिक टेरो माय हेड, टिक टिक टेरो माय हेड, टिक टिक टेरो माय हेड। तो गाइस हम लोग आ गए अंकल घर काली कोठी में, तो चल के अंदर देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं काली कोठी। ये लिखा है काली कोठी भाई, चंपा चंपी। सो गई। तो गाइस हम लोग आ गए अपने अंकल के यहाँ, और गाइस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। और गाइस मम्मी लोग छोटी मोटी पार्टी की तैयारी कर रही है, दिखाता हूँ आपको। भैया आप क्या बना रहे हैं? चंपारण चिकन। मम्मी हांडी चिकन, ये यहाँ पर भैया का न्यू स्टाइल है प्याज काटने का ग्लास से। अंडे भैया क्या कर रही हैं? तेज पत्ता और तेज पत्ता है, दालचीनी, जीरा, छोटी इलायची, जीरा है, बड़ी इलायची, लौंग। ये वही वाला मसाला पिस रहा है।
ये मसाला पिस रही है। और यहाँ पे मम्मी लहसुन भी काट रही हैं, और इधर आए टमाटर, पुदीना, धनिया, मिर्ची और नींबू, खीरा और प्याज। खीरा सलाद के लिए है, ये स्पेशल मसाला है जो इसमें डलेगा। और दही भी पड़ेगा इसमें, ये रखा है दही। इधर हल्दी रख दी गई है और ये लाल मिर्च, कस्तूरी, कश्मीरी मिर्च हो गई, कश्मीरी लाल मिर्च, और ये लाल मिर्च हो गया, लाल मिर्च जी। और ये इधर धनिया पाउडर भी आंटी ने डाल दिया है, हो गया नमक, ये नमक भी आ गया इधर। ये 2.5 किलो मीट के लिए है ये। बहुत सारे मटेरियल के लिए। आंटी का किचन भी बहुत, और गाइस आंटी का किचन भी बहुत साफ है और अच्छा भी है। 2.5 किलो मीट में दही, मिक्सी में दही, ये इतना ही दही पड़ेगा, इतना सारा दही पड़ेगा इसमें है? दस टमाटर हो गए इंग्रेडिएंट। और वो रखी हांडी, भैया ने इसमें ऑनियन मिक्स कर दिया। अब पड़ रहे इसमें दही, दही दही जाओ बताते जाओ, दही दही पड़ रहा है इधर। हाँ रखो जाके जी, टमाटर की प्यूरी डल रही है, इसको मिक्स कर दिया जाएगा। वो सारे मसाले लगे जो प्लेट में थे, और ये बटर पानी डालना है, सारे मसाले निकालते जाओ उसकी तरफ, फिर मिक्सिंग। लहसुन मिर्च का पेस्ट, लहसुन और मिर्च का पेस्ट, ये भी मिक्स किया जा रहा है। भैया इतने सो कितने लोग खाएंगे? इतना कम से कम खाएंगे 12 लोग 12 लोग खा लेंगे। 3 किलो चिकन है हांडी के अंदर, तो पकेगा 3 किलो है चिकन। भैया कल्लू खाता, कल्लू खाता है, दोनों लोग अभी सोने में लगे हुए हैं। तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बन रहा है चंपा? अभी सब पुदीना और अदरक का पेस्ट भी डल गया ना, और इसको भी मिक्स किया जा रहा है। नमक, तो गाइस ये देखिए इनकी हांडी गर्म हो चुकी है, कि उसमें ऑयल डाल के कुछ कुछ किया गया है। और अब ये रखा है चिकन पीस, और अब मिक्स्ड एकदम। और अब इसमें ये देखिए कुछ है, मिर्ची मिर्ची को छौंक कर लगाया गया है, और चूल्हे में बन रहा है। और अब इसमें ये डल रहा है, और ये जब डल जाएगा फिर इसमें मतलब हाफ एन आवर्स लगेंगे भाई पकने में, तो आधा घंटा को लग जाएगा भाई। ये भैया देखो इसमें डाल रहे हैं, ये आगे से गर्म है तो भैया पीछे जा कर डाल रहे हैं। यहाँ पर ये मिक्स किया जा रहा है। अब देखिए ये पकने में लगा हुआ है, आगे से देखिए कितनी। तो गाइस सब लोग वेट कर रहे हैं, सब लोग बैठ गए खाने के, सब लोग बैठे हुए इधर, ये बनने में लगा है। लोग सोचते कितने, ओ भाई वो देखो कल्लू आ जा रहा है, कल्लू को लगता है मैं आ गई है, तो वो खाने के लिए भाई डॉगीज की तो फेवरेट होती है। और ये देखो मैं बैठा हूँ कितनी मस्ती से, चंपा तो बहुत सीधी है भाई, चंपा बहुत सीधे डर से एक भी लगता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एकदम लगता है जब पहली बार से देखो, बाद में थोड़ा कम लगने लगता है। तो गाइस ये है काली कोठी की चंपा, ओए चंपा चंपा चंपा,
भाई ये देखो हांडी कितनी ज्यादा गर्म हो गई है, एकदम ब्लैक ब्लैक हो गई है और इससे धुआं भी निकल रहा है, स्मोक। और यहाँ पर फिर ये पकाई जा रही है, मतलब चलाई जा रही है, पता चले वहाँ पर नीचे जल जाए तो भाई दिक्कत हो जाएगी। फिर चलाई जा रही, भैया चला रहे अभी। और फिर अभी यहाँ पर डल रही है धनिया पाउडर, ये डला अभी धनिया पाउडर डल रहा अभी यहाँ पर। ये देखो भाई अब इसके बाद डलेगी पूरी धनिया, देखो धनिया भी डल गई है, धनिया मतलब नॉर्मल फ्रेश धनिया डली है इसमें। आंटी अब रायता बना रही हैं बूंदी का, बूंदी का। और इधर आटा बड़ा हुआ है बहुत सारा, सब कुछ के लिए बना रही हैं। आंटी रायता किसके लिए बना रही हैं? तुम्हारे लिए। वो लोग सब कौन सा चंपारण, चंपारण जगह। और गाइस मैं तो एकदम वेज हूँ तो मैं खा रहा हूँ अभी नींबू दाल और बूंदी आंटी ने बनाई है, दाल भी आंटी ने बनाई है और चावल भी आंटी ने बनाए हैं, तो काफ़ी खाना टेस्टी लग रहा है तो खाते हैं हम चल के, मतलब खाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर और गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो हम लोग आ गए और गाइस पार्टी में बहुत मज़ा आया और गाइस वहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग हैं लेकिन टाइम बहुत हो गया तो हम लोग आ गए हैं। तो अब चलते हैं घर और आपसे मिलते हैं। और गाइस सुबह स्कूल भी जाना है और 12 बज गए हैं। गाइस हम लोग 24 को आए थे और हम लोग जा रहे हैं 25 o'clock पे। तो गाइस कमेंट कर दीजिए कैसे हुआ, हम लोग आज ही आए थे। गाइस घर पहुंच गए, देखते हैं कि गेट कब खुलता है। खुल गया। Hey guys, so that's all for today. मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टाटा, बाय गाइस, गुड नाइट, बाय बाय गाइस। नेक्स्ट व्लॉग के लिए भाई वेट करना और लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर देना। बाय, गुड नाइट।